यस, तो हम क्विज स्टार्ट करते हैं। पहले रूल्स समझ लेते हैं, क्या रूल्स है इस क्विज के लिए। आफ्टर रीडिंग कंप्लीट क्वेश्चन यू विल गेट 30 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपको आंसर करने के लिए, तो टाइम का विशेष ध्यान रखें सब लोग। वॉट एवर आंसर इज गिवन फर्स्ट विल बी एक्सेप्टेड, नो फर्दर करेक्शन विल बी कंसिडर्ड। जो पहले आंसर दे दिया उसी को माना जाएगा, तो इसलिए सोच समझ के आंसर दीजिए आपस में डिस्कस करके, लेकिन विद इन 30 सेकेंड्स। आफ्टर टाइम आउट आंसर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। टाइम आउट होने के बाद यदि आप आंसर देते हैं, डिस्कशन हम कर सकते हैं, लेकिन उसका मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। देर आर टोटल 26 क्वेश्चन इन दिस क्विज, 13 फॉर ईच टीम, एंड जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा ऑब्वियसली वो विनर होगा। सो यहां पर एक सैम्पल क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। तो देखो, आप यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, जान स्टाउस्ट्रोप, गाइडो वॉन रोसम, बोथ ए एंड बी। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगी, जैसे ही रीडिंग इसकी खत्म होगी, आप ये साइड में जो ब्लू बार देख रहे हैं, दिख रहा है ब्लू, ये आपका टाइमर है। अब देखिए, आप टाइमर स्टार्ट होगा, ये टाइमर आपको 30 सेकेंड देगा। इस टाइमर के एंड होने के पहले आपको आंसर देना है, तो इस टाइमर को आप फोकस कीजिएगा कि हाँ ये टाइमर आउट ना हो जाए। जब तक ये टाइमर चल रहा है आप आंसर कर सकते हैं, जैसे ही टाइम आउट होगा आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो कोशिश कीजिए विद इन टाइम लिमिट आप उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। तो जैसे ही टाइम ओवर हुआ आपके पास एक मैसेज आ जाएगा टाइम आउट, ठीक, और आंसर जो भी होगा आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। हम क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं। रूल्स में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। नो डाउट सेकंड टीम, मैम, नो ओके। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज हार्डवेयर नेम। ये जो टीम ए है, आईपी के बच्चे जो हैं टीम ए के हैं और सीएस के बच्चे टीम बी के हैं, ये टीम ए के लिए क्वेश्चन है। एन ऐप और नन ऑफ द अबव। टाइमर स्टार्ट होने लग गया। नंबर मैम, इसका आंसर है बी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज, ओके करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन फॉर टीम बी, दैट मीन्स सीएस स्टूडेंट्स के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज का फीचर नहीं है, क्या नहीं है ये आपको बताना है। इट इज इजी टू यूज, फ्री एंड ओपन सोर्स, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, ऑप्शन डी। करेक्ट। तो दोनों टीम को 1-1 पॉइंट मिल चुका है। नाउ थर्ड क्वेश्चन फॉर टीम ए, दैट मींस आईपी स्टूडेंट्स। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आईपी के बच्चे टीम ए है और सीएस के बच्चे टीम बी है, ठीक है। फॉर टीम ए, व्हेन वाज पाइथन डेवलप्ड। पाइथन कब बनी थी? फेब्रुअरी 1991, सेप्टेम्बर 1991, फेब्रुअरी 1997, सेप्टेम्बर 1997। नाउ टाइम स्टार्ट्स विद इन 30 सेकेंड, रिप्लाई दीजिए।
व्हेन वाज पाइथन डेवलप्ड? टाइम आउट होने जा रहा है, आंसर कीजिए जल्दी से। मैम आंसर इज ए। पाइथन लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड विद फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दिस इज फॉर टीम बी। सी मॉड्यूला 3, सी एंड सी प्लस प्लस, एबीसी लैंग्वेज एंड मॉड्यूला 3 लैंग्वेज, एबीसी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। किन लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस लेके पाइथन लैंग्वेज को बनाया गया है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी आंसर दीजिए, टाइम इज अबाउट टू ओवर। मैम एबीसी लैंग्वेज एंड मॉड्यूलर 3। यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नन इज ब्लैंक इन पाइथन लैंग्वेज। दिस इज फॉर टीम ए। नन पाइथन लैंग्वेज में क्या है? अ कीवर्ड, अ स्पेशल लिटरल, नथिंग मीन्स नो वैल्यू एंड ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। आंसर इज बी, स्पेशल लिटरल। सॉरी योर आंसर इज रॉन्ग बिकॉज इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड। इसका मतलब है नो वैल्यू, कुछ भी नहीं है। नन मीन्स नथिंग, दैट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। For team B, true and false are, these are boolean literals, these are integer literals, spatial literals or string literal. Time starts now. Option A, boolean literals. Okay, right. Team B को 1 point. Now next question for team A, relational, logical, membership, binary, all are types of variables, operators, operands or values. Time starts now. मैम ऑप्शन बी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स करेक्ट। 1 point टू टीम ए। सो इट शुड बी स्टेटमेंट। ओके सो मैं यहां पर क्वेश्चन ही रॉन्ग था इसलिए मैं मार्क दे देती हूँ। इट वॉज फॉर टीम बी। नाउ टीम ए, इन स्टेटमेंट नेम इक्वल टू मनस्वी, ये जो लिखा है नेम इक्वल टू मनस्वी, इसमें नेम और मनस्वी क्या है? नेम इज ब्लैंक एंड मनस्वी इज ब्लैंक रेस्पेक्टिवली। नेम इज लिटरल एंड मनस्वी इज वेरिएबल। वैल्यू और वेरिएबल, आर वैल्यू, एल वैल्यू, एल वैल्यू, आर वैल्यू, इसको क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में? टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी कीजिए, टाइम आउट होने वाला है। मैम इट्स आंसर इज बी, वैल्यू एंड वैल्यू। रॉन्ग, इट इज डी। एल वैल्यू मींस लेफ्ट साइड वैल्यू, आर वैल्यू मींस राइट साइड वैल्यू। ठीक है, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू इज टेक्निकल टर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी, इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू रीड।
only integer values, integer and string values, only integer and float type values can read int, float and string type values. Time starts now. Team B. टीम बी टाइम ओवर होने वाला है. मैम डी डी राइट 1.2 टीम डी टीम बी. नाउ टीम ए. व्हाइल रीडिंग इंटीजर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन we need dash to convert string value into the integer value. क्या जरूरत, क्या चीज हम यूज करते हैं जब हम इंटीजर रीड करते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू? वी यूज कन्वर्ट फंक्शन, वी यूज इंट फंक्शन, वी यूज न्यूमेरिक और वी यूज नन ऑफ दीज. टाइम स्टार्ट नाउ. Answer is B. Right. 1.2 team A. So, next question for team B. To display any value or text, following function is used. कुछ भी हमें display कराना होता है तो कौन सा function use होता है? Display, print, put. Either of these can be used. Time starts now. मैम ऑप्शन बी प्रिंट. मैम बी प्रिंट. ओके राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ए. बाय डिफॉल्ट ब्लॉक इंडेंट इज डैश कैरेक्टर्स लॉन्ग. जो ब्लॉक का इंडेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट कितने कैरेक्टर से स्टार्ट होता है? Time starts now. Mam, very good. Correct. 1.2 team A. 4. Now, next question for team B. Extension of Python file is. Time starts now. .py. .py. Very good. So 1.2 team B. Now next question for चलो एक पॉइंट बी को भी एक्स्ट्रा मिला था, मैं यहां पर ए को दे दूंगी. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट कॉमा फ्लोट कॉमा str एटसेट्रा आर डैश इन पाइथन. ये सब चीजें क्या है पाइथन में? टाइम स्टार्ट्स नाउ. टीम बी इंट फ्लोट एसटीआर क्या है पाइथन में? इंट फ्लोट एसटीआर. जल्दी करिए, टाइम आउट होने वाला है. फंक्शन. रॉन्ग. इट्स डेटा टाइप्स. ओके, रोहित ने सही आंसर दिया था लेकिन लेट किया रोहित ने. दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड डैश इन पाइथन. टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताइए आंसर. पंक्चुएटर. ओके, सो 1.2 टीम ए. Now team B, dash object can be changed after it is created. ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो चेंज हो सकते हैं क्रिएशन के बाद?
टाइप्स टाइप्स पूछ रही हूं कि किस तरह के। यस जल्दी बोलिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यस करेक्ट करेक्ट। सो 1.2 टीम बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ए। इफ ए इक्वल्स टू 34, बी इक्वल टू 56 एंड सी इक्वल टू 10, देन रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी इज। इसका आंसर क्या आएगा यदि ये तीनों वैल्यूज दी हैं 34, 56, सी इक्वल टू 10 और हम लिखें ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, तो इसका क्या आंसर आएगा रिजल्ट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टीमें मैम यस आएगा, ट्रू आएगा, मतलब टू आएगा करेक्ट। सो टीमें 1 पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी। इफ ए इक्वल टू 34, बी इक्वल टू 56 एंड सी इक्वल टू 10, देन रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी इज। इसका क्या रिजल्ट आएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड फॉल्स एंड फॉल्स एंड गुड 1 पॉइंट। सेम क्वेश्चन नहीं है, अभी किसी ने बोला सेम क्वेश्चन है, उसमें और लगा हुआ था, इसमें एंड लगा हुआ है, ठीक है। सो इट इज फॉल्स। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर टीम ए। व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 ग्रेटर देन एसटीआर। इसका रिजल्ट क्या आएगा टीम ए। टीम ए 5 ग्रेटर देन एसटीआर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी बताइए टीम ए। फाइव ग्रेटर देन एस टी आर का रिजल्ट क्या होगा, जल्दी बताइए, टाइम आउट होने वाला है। एरर 1.2 टीम ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टीम बी। एक्स इक्वल टू 56, एक्स इक्वल टू हेलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। टाइपिंग। फिर से बताती हूं, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। एक्स में 56 दिया, एक्स में हेलो दिया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक टाइपिंग, ट्रू और फॉल्स। टाइम स्टार्ट होगा है, हो गया है, जल्दी बताइए। एक्स इक्वल टू 56, एक्स इक्वल टू हेलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक टाइपिंग। मैम आई थिंक इट्स ट्रू। करेक्ट आंसर। सो 1.2 टीम बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टीम ए। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, यदि ये लिखा है प्रिंट आई लव टू लर्न, देन लिखा है प्रिंट पाइथन, इट विल प्रिंट आई लव टू लर्न पाइथन, ये ट्रू है या फॉल्स है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी बताइए ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ फॉल्स है। फॉल्स है। फॉल्स है। व्हाई व्हाई, आपका क्योंकि मैम वो पायथन लाइन में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। सो 1.2 टीम ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टीम बी। व्हाट विल बी
result of the following code. Print wow and equal to space. Then next line में लिखा है print python is very easy to learn. It will print this line. Wow, python is very easy to learn. क्या ये सही है या गलत है? ऐसा print करेगा? Time starts now. Team B. It is true. It is true. Correct. So 1.2, team B. Now, next question is for team A. Result of the following code. क्या होगा बताना है? Print hello students, comma, sep equal to hash is hello hash students. Is it true or false? Team A, time starts now. Team A. जल्दी बताइए. मैम फॉल्स. फॉल्स. व्हाई? आंसर इज करेक्ट, फॉल्स आएगा, बट व्हाई? क्योंकि मैम वो सेपरेटर स्टेटमेंट के बाद लगा हुआ है. वेरी गुड. सो 1.2 टीम ए. नाउ टीम बी, लास्ट क्वेश्चन. एक्स इक्वल टू 5, y equal to 5. Here x and y are two different reference name to same value, that is 5, 5 and same location. Is it true or false? Time starts now. Yes ma'am, it is true. True. Correct. So 1.2 team B. So score is, final score is team A 12 points and team B is also 12 points. That means there is a tie between both the teams. Congratulations to both the teams. Ma'am, quiz ke liye main maza aaya. Yes ma'am, quiz bada interesting tha, par aaj maza aaya. Maza aaya? तो भूमि बताओ कैसी लगी क्विज? अच्छी थी आज. मैम बहुत अच्छी लगी. मैम अच्छी लगी. और ये कौन है? ऋतु. आपने एंजॉय की क्विज? यस मैम. ओके, यहाँ से बताइए टीम ए से. अनुज. मैम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया आज तो. थी तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लोगे तो. अभी तो हमारा सिर्फ पाइथन फंडामेंटल्स का था, आगे फिर हम और भी लेंगे. ठीक है.